हाँ खुद वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बर्फन, आज से 10 दिन पहले जब 83 रिलीज हुई थी, जितने भी थिएटर ओनर्स एंड एग्जीबिटर्स थे वो ये टेंशन में थे कि जब जर्सी आएगी, जब ट्रिपल आर आएगी, राधे श्याम एंड वालिमा आएगी, तो हम किस तरह से ये चार मेगा फिल्म्स को अपनी स्क्रीनिंग देंगे। इसको दो शो दे देंगे, हाँ ये बड़ी फिल्म है ना, एक हफ्ते का उसको एक शो दे देंगे, नई फिल्म आएगी उसको तीन शो दे देंगे, ऐसे करते करते मल्टीप्लेक्स वाले प्लान कर रहे थे, सिंगल स्क्रीन वाले ये प्रॉब्लम में थे, अरे मैटनी में किसको लगाएंगे, फर्स्ट शो में किसको, लास्ट शो इसको दे देंगे, इंटरवल थोड़ा कम करके एक शो बढ़ा के पांच शो कर देंगे। एक वो जमाना था, आज 10 दिन के बाद टाइम है यहाँ पर थिएटर्स चलाने हैं या उसे बंद कर देने हैं, आज एग्जीबिटर्स ये सोच रहे हैं। तो गाइस, फिल्में हैं नहीं चलाने के लिए। पुष्पा इकलौती फिल्म है जो यहाँ पर चल रही है पूरे पूरे देश भर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पाइडरमैन भी अभी हार्डली करोड़ रुपया कमा रही है एक दिन का, एंड 83 के क्या कहने हैं, उसके तो पूरे के पूरे बिस्तर बिछ गया 83 का। अनफॉर्चुनेटली विद द ओमिक्रॉन स्केयर पीपल आर नॉट गोइंग इन टू द सिनेमा हॉल्स। लेकिन गाइज, ये हाल सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ का है, यानी कि नॉर्थ इंडिया का है। साउथ इंडिया में अभी भी सिनेमा की जो लहर है वो जागरूक है, वो जीवित है। तमिलनाडु ने वहां पर 50% ऑक्यूपेंसी का कैप रखा है। यस, संडे को लॉकडाउन होगा, लेकिन वो सिर्फ ये संडे को लॉकडाउन है, जो अगला हफ्ता यानी कि संक्रांति का उस पर डिसीजन आना बाकी है। इसीलिए वालिमा के जो मेकर्स हैं उन लोगों ने ऑफिशियल पोस्टपोनमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है। एंड अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे जाते हैं, एंड तला अजीत एंड बोनी कपूर आर कॉन्फिडेंट कि उनकी फिल्म तमिलनाडु में 50% ऑक्यूपेंसी में भी अपना पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लेगी। नंबर वन, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का तो कोई टेंशन नहीं है, वहां के सरकार प्रशासन ने कहा है कि हम यहाँ पर संक्रांति के लिए कोई भी रेगुलेशंस नहीं लगाने वाले, तो वहां पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी चलेगी। वहां पे नागार्जुना, वहां पे नाग चैतन्य, इनकी फिल्म बंगा राजू आ रही है, अखंडा चलेगी, पुष्पा चलेगी, और दो तीन मिड बजट एक डीजे तिल्ली करके एक फिल्म, आई डोंट नो द प्रॉपर नेम, वो भी आने वाली है वहां पे। तो तीन चार फिल्में वहां पर भी आ रही है। प्रॉब्लम में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड, क्योंकि गाइस अब आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ बंटी बबली 2, चंडीगढ़ करे आशिकी, तड़प, SMJ 2, किसी भी प्रोड्यूसर में अब हिम्मत नहीं रही है कि ऐसे समय में भी अपनी फिल्में रिलीज करें। क्योंकि पहले क्या होता था, जर्सी चली गई, चलो छोटी बजट की कोई फिल्म है जो बाद में रिलीज होने वाली हो पहले रिलीज कर दे। बहुत सारी फिल्में बन के रेडी है और ट्रिपल आर नहीं आ रही, इतना बड़ा पीरियड मकर संक्रांति का, चलो मैं रिलीज कर देता हूँ, अरे पृथ्वीराज पोस्टपोन हो गई, चल मैं अपनी पिक्चर अनाउंस करता हूँ। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हिम्मत किसी का बची नहीं है, एंड हिम्मत भी होती तो यहाँ पर अब स्पेशली नॉर्थ इंडिया में थिएटर्स की परिस्थितियां भी उस तरह से नहीं है कि वहां पर फिल्में लगा सके। कई जगहों पर थिएटर्स बंद हो चुके हैं। आज ही सुबह 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक एंड झज्जर, ये सारे के सारे जगहों पर थिएटर्स बंद कर दिए हैं। अब गाइस, 83 के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर 83 OTT पर भी नहीं आ सकती। 83 वालों ने यहाँ पर थिएट्रिकल जो विंडो थी अपनी, उसको 8 हफ्ते की रख दी। पता नहीं क्या सोचकर ये हरकत की है इन लोगों ने। हाँ, सूर्यवंशी के सामने अगर ऐसा करे होते तो सूर्यवंशी शायद 200 करोड़ रुपए इंडिया में नेट कमा लेती है, लेकिन शिवशी सरकार ने कहा है कि 83 हमारी जो फिल्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सैटेलाइट पर 8 हफ्तों के बाद आएगी। तो गाइज, यहाँ पे 83 अभी वहां पे भी नहीं जा सकती है। एंड गाइज, अब सभी लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ वालिमा ही बची है यहाँ पर, एकलौता सहारा जो कि आने वाली है, जो सिनेमाघरों में शायद कुछ यूनो उजाला लेकर आ जाए, जहां पर खुले हुए सिनेमा घर। क्योंकि आई डोंट सी महाराष्ट्र शटिंग डाउन सिनेमा हॉल्स, क्योंकि 50% ऑक्यूपेंसी हमारे वहां तब से है जब से बेल बॉटम के बाद के जो थिएटर्स थे वो खुले थे। आई थिंक 22 अक्टूबर को थिएटर्स खुले थे, तब से हमारे वहां पर 50% ऑक्यूपेंसी ही है। सूर्यवंशी हो, स्पाइडरमैन हो, पुष्पा, तो आई थिंक वो मेंटेन रहेगा। ये अलग बात है कि दिखाने के लिए एग्जीबिटर्स के पास कोई फिल्म बचेगी नहीं। हरियाणा ने सिनेमाघर बंद कर दिए हैं, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, सब जगहों पर 50% ऑक्यूपेंसी है, नाइट कर्फ्यू लग गया है। गुजरात एकमात्र जगह है जहां पर 100% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन वहां पर भी 8 सिटीज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में 50% ऑक्यूपेंसी का रूल आ गया है। एंड गाइज, यहां पर कर्नाटका में, तमिलनाडु में संडे लॉकडाउन है, एंड कर्नाटका में भी 50% का कैप लगा दिया, यानी कि अगर रिलीज करोगे भी तो कैसे रिलीज करोगे। इसी का कारण है गेटी गैलेक्सी। यस फ्रेंड्स, गेटी गैलेक्सी का सबसे बड़ा थिएटर गेटी, वो मनोज देसाई जी ने बंद कर दिया है।
दिस कम्स एज अ शॉकर, वो जगह जहां पर इतनी भीड़ भाड़ होती थी, यू नो, हर फ्राइडे पब्लिक की धूम धड़ाका होती थी, सूर्यवंशी हो चाहे अंतिम के लिए हो, इवन फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट तड़प हो, सत्यमेव जयते 2 हो, स्पाइडरमैन पुष्पा के लिए तो बाप लेवल का क्रेज था। आज अनफॉर्चुनेटली वहां पर यह नजारा है कि गेटी को मनोज देसा जी ने बंद कर दिया। यस, सिर्फ गेटी बंद हुआ है, बाकी जितने भी थिएटर है गैलेक्सी में पुष्पा अच्छे से चल रही है। गेटी एक बहुत बड़ा थिएटर है, 1000 सीटर थिएटर है, गैलेक्सी में 1000 सीटर है, लेकिन वहां पुष्पा अच्छी चल रही है। उन्होंने छोटे थिएटर जो है जैसे कि जैम हो गया हो, बहुत छोटा थिएटर, में तड़प चला रहे हैं वो। 83 को उन्होंने गेटी से निकाल दिया है और उसको गॉसिप में लगा दिया। गॉसिप भी एक ठीक ठाक थिएटर है, इतना बड़ा थिएटर नहीं है, 100-150 सीट का थिएटर है। स्पाइडरमैन उन्होंने जेमिनी में लगा दिया है, जेमिनी एक बड़ा थिएटर है, वहां पर अंतिम भी चल रही है वहां पर। तो गाइस अंतिम ग्लैमर में है, चंडीगढ़ करे आशिकी जैम में, तो उन्होंने सबसे बड़ा अपना थिएटर जो था यानी कि गेटी वो उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि गाइस दिखाने के लिए उनके पास कोई भी कंटेंट बचा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अपने थिएटर्स बंद करना शुरू कर देंगे अगर हमारे पास कंटेंट नहीं हुआ तो। गेटी मैंने अभी बंद कर दिया है, जब 83 चल रही थी, जर्सी, राधेश्याम, ट्रिपल आर, पृथ्वीराज सब पोस्टपोन हो गए, हम कब तक थिएटर चलाएंगे इन पुरानी फिल्मों के साथ। यहाँ पर बहुत सारे एग्जिबिटर्स ये भी कह रहे हैं कि पुष्पा एंड स्पाइडरमैन अच्छे चल रही है, स्पाइडरमैन का कंटेंट, यू नो, कलेक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, पुष्पा यहाँ पे एक लौता सहारा है जो चल रही है यहाँ पर। मैं अब सारे के सारे थिएटर्स में पुष्पा चला रहे गाइज, ये पिन पुष्पा भी स्लो डाउन होने के बाद हम यहाँ पर सूर्यवंशी यहाँ पर री रिलीज कर देंगे, अंतिम री रिलीज करेंगे एंड देखेंगे कब तक हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे एग्जिबिटर्स का हाल भी बहुत खराब है, कब तक पुष्पा चलती है, कब तक स्पाइडरमैन चलती है पता नहीं, लेकिन साउथ वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वाली में अगर नहीं भी आती है तो 4 और छोटी फिल्में हैं जो रेडी है रिलीज होने के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड हैदराबाद में तो फुल ऑन यहाँ पर है, 70mm थिएटर्स, 35mm थिएटर्स, ये यहाँ पर चलते रहेंगे एंड तेलुगु फिल्म वहाँ पर रिलीज होती रहेगी। कि तेलंगाना ने यू नो अनाउंस किया है कि वहाँ पर कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा एंड वहाँ पे कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं होने वाला है, तो वहाँ पर एक उम्मीद है जहाँ पर फिल्में जैसे कि बंगाराजू आ रही है संक्रांति में, सारी की सारी फिल्में वहाँ पर रिलीज होने वाली है अलॉन्ग विद द वालिमाय तेलुगु वर्जन। लेट्स सी गाइस क्या होता है आने वाले समय में। फिलहाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सफ़ेद झंडी दिखा दी गई है कि हम नहीं आ रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर एटलीस्ट 1 महीने तक, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो थिएटर्स यहाँ पर बस पुष्पा चलाएंगे, 83 आई थिंक ये हफ्ते निकल जाएगी एंड यहाँ पर लगी हुई है वहां से कम्प्लीटली स्पाइडरमैन लगी रहेगी। यस, हॉलीवुड फिल्म आई थिंक किंग्समैन एक कोई आने वाली है फिल्म, हाउस ऑफ गुची है वापस, पुरानी पुरानी फिल्में हैं वो वापस लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसा हुआ तो सिनेमाघर परमिशन मिलने के बावजूद भी यहाँ मुंबई में बंद हो जाएंगे। स्टे कूल मैन।